हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होता है वह बनाने में बहुत सरल होता है, समझना होता है कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। ये सवाल के नेचर पर निर्भर करता है। देखें, यहाँ दो सवाल हमने लिया है, दो क्वेश्चन है। पहला है प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते समय पहले हम कोई भी ले सकते हैं, या तो LHS ले सकते हैं या RHS ले सकते हैं। तो पहले LHS लीजिए, तो LHS बराबर क्या होगा? LHS बराबर लिखे हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए RHS में क्या था? माइनस था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। इसका अर्थ है डिनोमिनेटर के वैल्यू को हटाना होगा, साइन को हटाना होगा, माइनस है तो माइनस रहने देना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, साइन का चेंजिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ को। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई करिए, प्लस है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी है, a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। लेकिन नीचे में देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में भी न्यूमरेटर में स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, दोनों के एक साथ लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम लिख कह सकते हैं 1 बाय साइन थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका जो RHS प्रूव हुआ। पहला सवाल, दूसरा सवाल कैसे बने? अगर हम LHS को लेते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले LHS तो लिख लीजिए दूसरे सवाल के लिए। सवाल था प्रूव दैट 1 बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए बराबर 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय कोसेक ए प्लस कॉट ए। कैसे प्रूव करेंगे उसे देख लें। यहाँ पहले LHS लिखे 1 बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ तो नहीं है, कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो इस साथ माइनस वाला हटना चाहिए। तो कैसे हटाएंगे, 1 के बदले बदले हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय कोसेक माइनस कॉट ए तो है ही, लिख देंगे माइनस 1 बाय साइन ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कोसेक ए है यहाँ कोसेक ए, ये कर जाएंगे इसके साथ। अब क्या लिखेंगे, कोसेक ए माइन प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए बराबर लिखेंगे क्या, काटिए नहीं, यहाँ लिखेंगे कोसेक ए क्योंकि हमें साइन ए लाना है, यहाँ 1 बाय साइन ए लाना है तो इसको हम रहने देंगे। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए होगा। अब कुछ नहीं है बात, तो बट्टा 1 कर सकते हैं यहाँ, यहाँ क्या लिखेंगे 1 बाय साइन ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए फिर 1 के बदले में क्या लिखेंगे, कोसेक ए
plus cot A into cosec A minus cot A, क्योंकि 1 के बदले में यहां फार्मूला यूज किया है cosec square A minus cot square A, यह A square minus B square पर था, A plus B into A minus B हुआ है, ऐसा ही A plus B into A minus B को लिखे हैं, ये दोनों क्या रहेंगे, कर जाएंगे, बता क्या, 1 by sin A minus 1 by cosec A plus cot A, cosec A plus cot A, ये प्रूफ होगा, इसका टू आरएचएस प्रूफ हुआ, ठीक है।